हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। कैंडिडेट्स यहां तक कैसा एग्जाम गया, साथ ही अटेंडेंस की अगर बात करें तो टोटल यहां पे सीट्स आज 121 सीट्स हैं और 38 प्रेजेंट हैं स्टूडेंट। तो जानते हैं कैंडिडेट से कैसा एग्जाम गया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, किसी भी एग्जाम की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर कर लिए मगर अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया NTPC के 162 टेस्ट और ग्रुप डी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए 170 टेस्ट। और ये सभी आपको न्यू ईयर के ऑफ़र में पूरे साल के लिए 299 रुपये का पास है, जो ईयरली पास है, जिसमें 12,000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में ग्रेट IQ कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपये का यानी 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए देख रहे हैं, आप ये टेस्ट बुक जो है 349 में कोचिंग में लेकर आया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेस्ट बुक विजिट कर सकते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। 94 आपने 78 85 अटैम्प्ट किए थे। अच्छा, अपना जोन भी बता दो, इलाहाबाद, चंडीगढ़, कहाँ कहाँ से भरा? चंडीगढ़ बेंगलोर, गोरखपुर, दिल्ली। दिल्ली के बारे में, संगठन के बारे में पूछ रहा था, उसमें कोई संगठन के बारे में कोविड वाला था एक क्वेश्चन। कोविड वाला क्या क्वेश्चन आया था? किसकी डेथ हुई सबसे पहले? सबसे पहले राज्य में हुई थी। सबसे पहले कौन से राज्य में डेथ हुई थी COVID-19 से? कुछ नहीं आया था, कोई आंदोलन वगैरह, कोई वॉर? इसका आया था कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को कितने साल हो गए, क्विट इंडिया मूवमेंट को कितने साल हो चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई लॉर्ड से, वायसराय से, गवर्नर जनरल से कोई क्वेश्चन आया था? अपना इंडिया का दादा भाई नौरोजी कौन था ना, फर्स्ट यूनाइटेड में कब उनको मिला था? क्रांति किस वर्ष हुई? 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई? 1857 की क्रांति किस वर्ष? आजादी के बाद कितने वर्ष प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? आजादी के बाद कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? कोई क्वेश्चन कुछ नहीं आया था। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, नदी पर्वत कौन सा सॉइल वो मोस्ट इफेक्टली इंडिया में है जिसमें कल्टीवेट होता है, वो एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा। MBA की फुल फॉर्म पूछ रहा था, MBA की फुल फॉर्म आई थी। अच्छा, कौन सा ये का पूछ रहा था गाना, आजादी के बाद कौन सा प्रधानमंत्री कौन सा जन्म हुआ? बीमे आपकी फुल फॉर्म आई थी। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल से आया था क्वेश्चन, कुछ आर्टिकल अमेंडमेंट, कोई 124 आर्टिकल जो वो किससे रिलेटेड है? संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कुछ मैथ सिंपल आ रहा है, डांस की कोई फॉर्म आया था, ये वाला कि एक तो एलिफेंट टेम्पल वो कहाँ पे है, हाँ, और एक गॉड पे आया था कि कौन सा एक था कि वो कॉटन और सिल्क से बना हुआ है, किसकी गॉड से बनी हुई है? ब्याज से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं, ब्याज से रिलेटेड थे कम से कम 10 क्वेश्चन की, अगर इतने परसेंट पे ब्याज हम इतने देंगे तो कितना आएगा? स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आया था, खेल से रिलेटेड? स्पोर्ट्स से ये आया था कि फर्स्ट ये गोल्ड मेडल पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसको मिले, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल किसको मिले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स से और कोई खेल से आया था, और कोई अवार्ड से और कोई नोबेल प्राइज वगैरह, कोई पद्म विभूषण दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसको मिला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोई पेंटिंग वगैरह आई थी, कोई जनजाति पेंटिंग, वही तो बताया मैंने जो गॉड की पेंटिंग थी ना। अच्छा, उससे कॉटन से। अच्छा, कुछ मुगल वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे, मुगल से कोई मोनूमेंट वगैरह, एंशिएंट हड़प्पा सभ्यता वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन एक ये आया था, उसके ऑथर वगैरह कोई एक हुआ आया था, बुक की नहीं आई थी कि किसने 1857 के विद्रोह को ये कहा था कि एक स्टेटमेंट दिया था, कुछ विद्रोह नहीं है, ये फर्स्ट रेबेलियन नहीं है वो वाला। अच्छा, वो स्टेटमेंट के बारे में आया था। अच्छा रहा था, एक पेप्सिन प्रोटीन के बारे में कर पूछ रहा था, मिला कौन सा बनेगा वो, पेप्सिन से क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से डिजीज वगैरह से क्वेश्चन आया था, कुछ वायरस वाले आए थे, बैक्टीरिया वाले आए थे, बैक्टीरिया वाला कौन सा है, मैच करने थे फिर कैसे क्वेश्चन? नहीं, ऑप्शन था दिया था कि कौन सा बैक्टीरिया वाला इसमें से डिजीज है। अच्छा, डिजीज कौन सा बैक्टीरिया का इसमें? कुछ और विटामिन से कुछ क्वेश्चन आया हो, विटामिन से आया था कि एक वो था कौन सा, एक नाम पूछा था इसमें कौन सी विटामिन है, उसमें ऑप्शन दे रखे B2, B9, C ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, डेफिशिएंसी डिजीज होता है, विटामिन B9 था, विटामिन सी था, विटामिन B2 वो याद नहीं आ रहा, बढ़िया एकदम, तो एम से था वो यूनिसेफ नहीं, एक ऑप्शन था कि ये जो चाइल्ड मेडिसिन ड्रग एडिक्ट वाला ये किसके अंडर में है, कौन सी संस्था के अंडर में? हाँ हाँ, और करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे थे? करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे आए थे? करंट अफेयर 2019 के बारे में था एक क्वेश्चन करंट का, और तो नहीं था उसमें।
नहीं तो करें। मैथ्स का लेवल कैसा लगा था? मैथ्स सिंपल था, एक एवरेज से था, एलसीएम से था क्वेश्चन। मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं मतलब किस टाइप के थे मैथ्स के क्वेश्चन? दो संख्या को मैथ्स इतना है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या है। सीआईएसआई के कैसे थे, डिफरेंस वाले क्वेश्चन थे या किस टाइप के थे? ऐसा था उसमें रखा था अमाउंट इतना है, तीन वर्ष के रेट पर इतना अमाउंट हो गया सीआई से, एक ही 6% है, एक की कुछ परसेंट, 3% करके तो पी क्या है। मूलधन पूछा गया था, मूलधन पूछ रखा था, सवाल एक था। अच्छा, टाइम एंड वर्क के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? टाइम एंड डिस्टेंस कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे टाइप के थे? एक क्वेश्चन था जैसे, किस टाइप का था? एक क्वेश्चन था कि हमने 1000 रुपये का कुछ आम खरीदे, उसमें से कुछ 40 आम खराब निकल गए, तो उसका दर्जन पूछा था इसमें हमें 30% लाभ कमाने के लिए कितने परसेंट बेचना होगा। आप कौन सा बता रहे थे? टाइम एंड वर्क से था, वो ये था मतलब पेज टाइप करने वाला था, पेज टाइप थे। एक तो कर रहा था 50 पेज, एक दूसरा था वो 40 वर्ड, एक रहा 40 वर्ड टाइप, तो बारी बारी से कर रहे थे वो, बारी बारी से अल्टरनेटिव वाला आया था। एक सवाल जो अभी भैया बता रहे हैं जो पेच वाला, वो साधारण व्यस्त था। अच्छा, मतलब मैथ्स का जो लेवल था वो मॉडरेट टाइप में आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन में था, कुछ कैलकुलेटिव लगा था मैथ्स में, जैसे x की पावर 4 प्लस 1/x^4 = 322, तो उसने पूछा था x की पावर 3 माइनस 1/x^3 की वैल्यू। अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, एक था क्या नाम है, यदि x + y का ये दो संख्याओं का योग 20 है तो क्या नाम है, अगर उनका वर्गों का अंतर इतना है तो इनका क्या नाम है। डीआई से वगैरह, डीआई से भी क्वेश्चन आया था, डीआई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, मतलब ओवरऑल मैथ्स मॉडरेट थी। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का, रीजनिंग रीजनिंग का लेवल मतलब कैसा था? सिंपल था, सीरीज पूछ रहा था उसमें, रक्त संबंधी के थे क्वेश्चन, रक्त संबंधी थे। रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो डिफिकल्ट लगा आपको, टफ करने में दिक्कत आई हो थोड़ी सी? रीजनिंग में ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था। डाइस क्वेश्चन था, डाइस कैलेंडर कोई नहीं था, डाइस कैलेंडर तो कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं था। मैं देखना चाहिए एडवांस मैथ्स में क्या क्वेश्चन आया था। एडवांस मैथ्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐसे कि एक वृत्त की त्रिज्या उसके वर्क के विकर्ण के बराबर है, तो वर्क का क्षेत्रफल की, वर्क का क्षेत्रफल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। और एडवांस मैथ्स में और कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आए थे? एडवांस मैथ्स में ज्यादा नहीं था, वो सरफेस एरिया वाला था। अच्छा, मैन सॉल्यूशन ट्रेपेजियम, हाँ ट्रेपेजियम का था, और उसमें उसका एरिया और कॉस्ट निकालना था कि कितना पेंडिंग कॉस्ट लगेगा। दो क्वेश्चन थे, एक ट्रायंगल था इनसाइड सर्कल का, उसका एरिया निकालना था, और एक स्क्वायर था उसके डायगोनल से सर्कल का निकालना था एरिया। एक होता है एक समकोण त्रिभुज था, उसकी दो साइड दे रखी थी, मुझे इसके अंदर रेडियस, उसके अंदर यदि वृत्त बनाते हैं तो उसकी रेडियस कितनी सेंटीमीटर की रहेगी। मतलब जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ उनको एडवांस के फॉर्मूला आने चाहिए और अर्थमेटिक बेसिक आना चाहिए। सर्कल के, अच्छा जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह क्वेश्चन देखने को मिले थे कुछ? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, एक था दाएं बाएं से उससे दिशा से डायरेक्शन से क्वेश्चन। अच्छा, जीके में कुछ डेज वगैरह भी आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज के थीम वगैरह, कोई इंडेक्स वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह? नहीं नहीं, ये वही आया था, मतलब हिस्ट्री से आया था डेज का, कि वो कब दादा भाई वो यूएन में इनको मिला था, फिर वो कब बुक लिखा था कि किस तारीख में किस डेट में वो लिखा था, और ऐसा कुछ था नहीं। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट में आ जाएगा पेपर, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, बहुत नहीं, नहीं उतना कुछ नहीं था खास, ठीक था, इजी था। तो ये था एग्ज़ाम का लेवल, जैसा कि आप सभी ने देखा 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। कैंडिडेट ने बताया इजी टू मॉडरेट एग्जाम आ रहा है, और जिसने भी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदे वो टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीद सकता है। ग्रेट आई यू कूपन कोड अप्लाई करेगा, 10% डिस्काउंट और मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।